ये है लेके प्यारे प्यारे बच्चे, थैंक यू जूले, कभी नहीं भूले, नहीं कभी भूले, यू करिए हाथ, यस थैंक यू। आप अभी भी बहुत यंग हो, आशीर्वाद दीजिए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एक लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ वो है लेह से 130 किलोमीटर की दूरी पर नुब्रा वैली से थोड़ा सा आगे। जगह का नाम है हुंटर और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जहाँ मैं रुका हूँ आप पीछे का देख सकते हैं, ये होटल्स बना रखे हैं और नीचे की साइड में जो है यहाँ पर फैमिली रहती है। जो फैमिली रहती है वो हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह वगैरह जो भी है प्रोवाइड कराती है, एक अच्छा अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है। बट ये जो है ये एक गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये गांव ऐसा है कि यहाँ पर जो है आई थिंक 700 या 800 मकान है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 4,500 लोगों की है। यहाँ की क्वालिटी, यहाँ की स्पेशलिटी अलग टाइप की है। हमें है ब्रेकफास्ट का टाइम। ये ताशी ब्रदर हैं जो यहाँ के ऑनर हैं और इनके डैड वहाँ पर रहते हैं, मम्मी पापा, ये हस्बैंड वाइफ हैं, अभी मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे हैं। आज का जो हुंतर के अंदर मेरे ब्रेकफास्ट है वो है ब्रेड एंड ऑमलेट एंड टी। तो इसे करने के बाद थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आसपास की लोकेशन को। इस समय जिस गाँव को मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, रास्ता उसका ऐसा है, पूरा कच्चा रास्ता है और कल आई थिंक यहाँ पर बारिश वगैरह हुई है, इस वजह से ये सब कुछ गीला हो रखा है। चारों तरफ खेती खेत है मेरे और कच्चे रास्तों के बीच में से होते होते हुए मैं मिलने जा रहा हूँ गांव वालों से। यहाँ के गांव के लोग कैसे हैं और कैसी इनकी लाइफस्टाइल है एक बार देखते हैं। चारों तरफ का एरिया बहुत ही शांत है, शांत इन्वायरमेंट है पूरा, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये जो लकड़ियाँ हैं वही जो मैं आपको बता रहा था, काट कर रखी जाती है आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। और पीछे है माउंटेन्स, और माउंटेन्स अब ब्यूटीफुल माउंटेन्स। और ये मेरे पीछे कच्चा रास्ता और लोग अपना मकान लकड़ियों की मदद से बनाते हैं। और ये है स्तूपा, स्तूपा मीन्स मंदिर, इनका ये टेम्पल है, इसके चारों तरफ ये परिक्रमा करते हैं लोग और अपने वेद मंत्र जो बौद्धिस्ट लोग करते हैं उसको फॉलो करते हैं। आगे चलते हैं एक और बार, और आगे चलते हैं। रास्ते चलते जा रहा हूँ, रास्ते का नहीं पता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये आर्मी एरिया है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस समय। और पीछे ये है व्हील, प्रेयर व्हील, जहाँ लोग प्रेयर करते हैं। जिस गांव में मैं आया हूँ ये है प्रतापपुर और ये भी पास में ही है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। और चारों तरफ देखिए खेती खेती कर रखी यहाँ के लोगों ने। और ये जो इलाका है ना मुस्लिम एरिया है और लेह के अंदर भी मुस्लिम एरिया अगर मिल रहा है। और यहाँ बड़ी शांति है, जहाँ शांति है वहाँ ज़िंदगी ऑटोमेटिकली जीवन बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के पास फालतू का टाइम नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मेरे पीछे एक जीप आ रही है, ठीक है पुलिस की भी हो सकती है लेकिन बहुत अच्छी जगह है। नमस्ते जूले, ये सब आर्मी वाले हैं और ये कैंट बगल में ही है पीछे इनका। ये है लेके प्यारे प्यारे बच्चे जो इस गांव में रहते हैं। प्रताप, प्रतापपुर में, ओके पढ़ते भी हैं? पढ़ते हैं। तो ये गांव मतलब मैंने देखा है बहुत खूबसूरत गांव है ये। तो आप लोग सर्दियों में भी यहां पर स्टडी वगैरह करने जाते हैं, स्कूल वगैरह में खुलते हैं स्कूल? अभी लोग अच्छा ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही होंगी और अभी इंजॉय कर रहे हो साइकिलिंग करके? हैं ओके। कौन सी क्लास में हो? मैं सिक्स में। क्या नाम है? दाऊद अब्बास। ओके। और आपका? हेमर अली। जमीर अली। आपका? मेरा नुसेन। मेरा वेरी गुड। बच्चे पढ़ाई करा करो, ठीक है, इन्जॉय करो, देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। ये जो चारों तरफ का एरिया है ये आर्मी एरिया है, सियाचिन वॉरियर्स के नाम से फेमस है। हो सकता है यहाँ से सियाचिन बॉर्डर जो है पास में हो। ये जो रास्ता है और आगे से भी एक रास्ता है जो जाता है तुरतुक विलेज के लिए, यहाँ से 90 या 100 किलोमीटर के आसपास है। जो वो विलेज है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ से पाकिस्तान नज़दीक रह जाता है तो काफ़ी डिस्टेंस है, मैं नहीं जा पाऊँगा। अब आसपास के जो गांव वाले हैं उनसे एक बार मिलते हैं। मुझे एक जनाब मिले हैं, नाम क्या है आपका? गुलाब मोहम्मद। गुलाब मोहम्मद।
ओके, ये प्रतापपुर गांव के हैं एंड मुस्लिम हैं, और ये पीछे जो गांव है प्रतापपुर, ये पूरा मुस्लिम इलाका ही है ना, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। ये साफ़ सफाई करते हैं यहाँ पर, जो भी है सेवा का काम है। सर गांव यहाँ बहुत सुंदर है, मज़ा आ गया। तो यहाँ की जो आबादी है कितनी बताई आपने? 180 कुनबा, मतलब कि कितने लोग हो जाएंगे ऑलमोस्ट? बहुत भारी है ना सर, 3-4 हज़ार लोग। तीन चार सौ से ऊपर है। अच्छा अच्छा, चलिए आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, एंड थैंक यू। जूले कभी नहीं भूले, नहीं कभी भूले। यू करिए हाथ, यस थैंक यू। यहाँ के लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, जो अभी जनाब गए थे गुलाम जी, इनको भी बड़ी, मुझसे मिलकर उनको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी हंस रहे थे और मुझे कह रहे थे बहुत अच्छे इंसान हो आप। मैंने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखो लोगों से आप बात करते हो, लोगों से मिलते हो अलग अलग, तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ये रास्ता है खेत का, ये है फ्लोइंग वाटर। यहाँ का जो पानी इतना अच्छा है तो खेती तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, मेरा मानना है। मेरे पीछे जो लेडीज जा रही हैं इनसे मैं बात कर रहा था, ये थोड़ी सी शर्मा रही थी, कोई बात नहीं, कोई घास काट रहा है, कोई खेती बाड़ी में बिजी है, इनके पास टाइम ही नहीं है फालतू की बात करने का। मैंने बोला दिल्ली वालों के, दिल्ली तो बहुत गंदा है। और दिल्ली गंदा नहीं है, दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर साफ़ सफाई है, यहाँ पर लोग कम रहते हैं, इसलिए सफाई भी है, नेचुरल है, जो भी है। यहाँ के लोगों का बात करने का तरीका, मुस्लिम होने के बावजूद भी उनको मतलब बात करने का एक्ट है, तो कोई जाति वाति नहीं सिखाती हम कैसे बात करते हैं। हम लोगों को खुद सीखना चाहिए इंसानियत के साथ, और एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। चलो एक बार आगे चलते हैं। चारों तरफ खेती खेती और कच्चे मकान हैं, और लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर ज़्यादातर लेडीज अपने घरों में रहती हैं, बात करते करते। जूले कोई बात नहीं, इन भाई का नाम है प्रीतम, क्या एज है आपकी? 24। यहीं रहते हो प्रॉपर तरीके से? नेपाल से। इधर आए नेपाल से? यहाँ पर क्या करते हैं आप? अबे ऊपर बॉर्डर जाने वाला है। कहाँ पे? बॉर्डर में जाने वाला है। ओके ओके, तो फैमिली से मिलने आया हूँ यहाँ पर मैं, प्रतापपुर गांव के अंदर, और वो है फैमिली, ये यहाँ पर रहते हैं। नमस्ते, नमस्ते। जूले जूले जी, क्या नाम है आपका? मेरा नीमा यंगदेन शर्पा। ओके शर्पा जी, यहाँ पे खेती किस बात की? किस? मैं नेपाल के हूँ जी। नेपाल के? हाँ जी, मैं यहाँ बैठे बहुत साल हो गया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे खेती किस टाइप की करते हैं आप लोग? ये खेती, ये गेहूँ उगता है, साग उगता है। ओके। और मटर उगता है। मटर भी उगता है जी। ओके ओके, और साग मटर ये दोही उगता है, और थोड़ा थोड़ा इन लोग ने वो सरसों लगाते हैं जी। अच्छा, ये सारी फैमिली आपकी? नहीं नहीं, हमारा नेपाल के है जी। सारे नेपाल के? हम नेपाल के हैं जी, पैसा कमाने के लिए आया। अरे कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये आपका घर है अपना? नहीं नहीं, गांव हम किराए में। अच्छा किराए पर? मेरा घर तो उधर है, ये बहन लोग का है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, काफी अच्छी तरीके से। आप कहाँ के हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा जी, और मेरा नाम भारत है। भारत है आपका? अच्छा अच्छा, नाम है आपका? भारत भारत, भारत इंडिया। इंडिया भारत। हाय बच्चो। ओके हाय, हाय कर दो। छोटा वाला बच्चा कर रहा है, छोटा वाला, वो छोटा वाला बच्चा कर रहा है। हाय, सब नेपाल के। ओके बाय बाय। एक पीछे एक दुकान देखी है मैंने, इतनी साफ सुथरी दुकान और इतनी अच्छी दुकान मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं देखी थी। दुकान के बारे में बता रहा था मैं, बहुत ही खूबसूरत दुकान है, और ये जहाँ मैं रुका हूँ उसके पीछे की साइड में, तो उन जनाब का नाम पूछते हैं, और उसकी दुकान जो है बहुत ही खूबसूरत जो मुझे लगी है अभी तक। देखिए पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये है खूबसूरत दुकान, ये है ऑनर यहाँ के। आपका नाम? तुंडुक। तुंडुक, ओके वेरी नाइस नेम अंकल। आपकी दुकान बहुत सुंदर है, आपने बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखा है। ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ बच्चों को देते हैं, मेरे को लगता नहीं आसपास में इतनी प्यारी दुकान होगी। ये चॉकलेट्स हैं, और चॉकलेट्स सारी हैं, वेराइटीज़ हैं, डेरी मिल्क भी है, ये भी है, स्नीकर्स भी है, किट कैट भी है। माय गॉड, कुछ भी नहीं छोड़ रखा। और ऐसे दुकानें
मेंटेन करके रखना साफ़ सफाई के साथ, और वो भी यहाँ पर जहाँ कम पॉपुलेशन है। अमूल का मक्खन भी मिलता है यहाँ पर, वाओ, मिठाइयाँ भी हैं, गुलाब जामुन भी हैं, और ये सफ़ेद वाले जो रसगुल्ले हैं, सारी फैसिलिटीज हैं। तो मैं इस जगह का नाम क्या है अंकल? ओम्बे। ओम्बे हंतर ओम्बे हंदर ओम्बे इस जगह का नाम है जहाँ मैं रुका हूँ। ले से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए अंकल जी ने ना यहाँ पर जो नोट है ये असली वाले ही है ना? हाँ, कलेक्शन है पूरा। ये कलेक्शन है, और जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, कई जगह चलते हैं कई जगह नहीं चलते, लेकिन यहाँ पर ये कलेक्शन भी अंकल ने लगा रखे हैं। इसका मतलब यही है कि अंकल को इन चीज़ों का बड़ा शौक है और लोगों को प्यार बांटते हैं। अंकल जी का ही पीछे वो है गेस्ट हाउस वगैरह है जहाँ हम रहते हैं। ये जो जगह है, ये जगह यहाँ से नीचे, हाँ हाँ, यहाँ से नीचे होगा पॉपुलेशन कम से कम 1100। ओके, तो ये रास्ता तुरतुक के लिए भी जाता है? यही तुरतुक जाता है बॉर्डर। अच्छा, यही जाता है? यही जाता है। वो जो ऊपर से रास्ता जाता है वो नहीं आता? वही पक्का वाला रोड यही है। अच्छा, उससे मिल जाता है? यही था, वो तो आर्मी वाला कर रहा था। ओके, तो यहाँ 1100 के आसपास लोग रहते हैं, वहाँ तो और भी 1000 से ऊपर। ओके, तो यहाँ पे जब सर्दी वगैरह पड़ती है तो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? सर्दी तो पहले से यही पड़ रहा है, इतना महसूस तो नहीं होता, बर्फ़ तो इतना नहीं गिरता है आजकल। अच्छा, थोड़ा बहुत कम गिरता है। बारिश होती है यहाँ पर? बारिश होते है, थोड़ा बहुत गिरता है, पहले की तरह नहीं होता। और यहाँ पर खेती जो होती है, सब्जी कैसे कैसे उगाते हैं? सब्जी तो हर एक चीज़ से होता है, नहीं तो हर एक चीज़, हर टाइप की सब्जी, हर एक चीज़ में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। गोभी, पत्ता गोभी, आलू, मटर, बैंगन, खीरा सब मिलेगा। ओके, आप एक बात और बता रहे थे यहाँ पर लाइट का बिल का? लाइट तो बिल तो बहुत यहाँ कम आता है, क्योंकि महीने का कभी कभार 70-50-30 से ऊपर तो लाइट बिल तो आता नहीं। ये देख लो, लद्दाख के अंदर तो लाइट का बिल आता है 50-60-70 रुपये, और कभी कभी 20 रुपये भी आता है। 20 रुपये भी, 9 रुपये भी आ जाए, 9 रुपये भी आते हैं, वही है 9 रुपये। तो यहाँ पर एक सहूलियत तो है कि भाई दिल्ली वालों की तरह लूट नहीं है, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को कहीं एक आदमी जाओ, दो आदमी जाओ, कहीं कुछ, और यहाँ कोई चोरी वगैरह भी? बिल्कुल, यहाँ के लोग बहुत ईमानदार हैं, साफ़ सुथरे हैं, और एक नेचुरल ऑर्गेनिक लाइफ को जीते हैं। जो खेती भी करते हैं ऑर्गेनिक होती है, यहाँ कोई मिलावट नहीं है, और जानवर वगैरह जो भी है ना पूरा है, प्रॉपर है यहाँ पर। मैंने मुर्गियाँ देखी, और इन्होंने ना क्या कर रखा है जानवरों के लिए ना, अलग से एक बना रखा है जिसमें सारी की सारी मुर्गियाँ डाल देते हैं ना, मैंने देखा था। आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये आपकी दुकान है, और बगल में एक कपड़े की दुकान भी है। क्या नाम है आपका? फिलिन दोरमा। अच्छा, कितने साल के हो आप? 65। यू आर वेरी यंग, आप अभी भी बहुत यंग हो। आशीर्वाद दे दो। काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। यहाँ पर किस टाइप की खेती इन्होंने कर रखी है? आलू कहाँ पर लगे? आलू, ये पूरा आलू वाला है, ये सारा आलू है। ये तो अभी छोटा होता है कि उधर मटर है। ओके, ये सारे आलू और मटर वगैरह आपने उगा रखे हैं। और यहाँ पर क्या होता है? मटर है। मटर है, मटर, ये तो घास काट दिए। अच्छा, घास काट दिए। सारी खेती आप ही लोग करते हैं? सारी खेती यही करते हैं। और जो मैं बता रहा था ना, वो जो जगह है, ये जानवरों के लिए रखा गया? अभी सर्दी में इसमें जो है ना, हम लोग को ये सब्जी वर्जी रखते हैं। अच्छा, इसमें सब्जी भी रख देते हैं? वैसे मुर्गी वगैरह भी रखते हैं क्या इसमें? ये जो है ना, अखरोट। हाँ, अखरोट। अच्छा, अखरोट का पेड़ है। हाँ, अखरोट। ओके, और यहाँ पे क्या खेती कर रखी है? ये तो ऐसे छोटा मोटा थोड़ा सब्जी बोया। ओके, यहाँ पर आप रहते हैं? ओके, और ये फूल ही फूल, सूरजमुखी का फूल भी आपके पास? ओके, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, ये क्या है अंकल जी? ये भी सूरजमुखी, जो सूरजमुखी पत्ता वाला यही है? हाँ, डबल पत्ता वाला, वो सिंगल पत्ता। ये डबल पत्ते वाला हाँ, सूरजमुखी है हाँ, और ये सिंगल है? ये सिंगल है, ये सिंगल है हाँ, ना खूबसूरत है यार, ये मजा आ गया। ये देखो, प्याज लगा इधर, क्या पूरा मिलेगा,
ये प्याज की खेती है, प्याज है, पालक है, पालक प्याज धनिया वगैरह बाकी तो पूरा, और बाकी जो है ना वो उस साइड में है सारी खेती इन्होंने, और लकड़ियां भी काट रखी हैं जलाने के लिए। और जानवर यहाँ रखते हैं अंकल आप? जानवर अभी तो वहाँ छोड़ दिया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये गेस्ट हाउस है इनका और प्रॉपर तरीके से पूरा जमीन पूरा। ठीक है अंकल जी, आप मतलब खेती बाड़ी भी करते हैं, किसान भी हैं आप? हाँ किसान। ये बॉनफायर की जगह है, यहाँ पर जो भी आपस में ग्रुप के साथ जो कस्टमर्स हैं इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है एक्स आर्मी मैन, नाम बताइए ना? ताशी पालदन। ताशी पालदन भाई ने मानेसर में भी ट्रेनिंग की हुई है और वहाँ पर 4 साल स्टे किया है। एक आर्मी मैन होने के नाते भाई को सल्यूट। ओके थैंक यू। और अब हमारी सर्विस, हमें सर्विस दे रहे हैं, लेके हैं और लेके अंदर एक जगह आती है, जगह बताइए अपनी कौन सी? हाँ ये हुंडर, नुब्रा वैली। नुब्रा वैली के अंदर आती है हुंडर जगह, जहाँ मैं रुका था। और इससे पहले जो मैंने आपको मिलवाया था वो इनके डैडी थे, काफ़ी ज़बरदस्त इंसान। उनके हाथ की चाय पीने के बाद तो बस अलग ही एक टेस्ट था। ये है इनका आशियाना होटल है, इन्होंने एकोमोडेशन बना रखी है और बहुत जल्दी कैंप वगैरह भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ आता हूँ मिलने के लिए। थैंक यू, नाइस टू मीट यू ताशी ब्रदर, वेलकम, आई विल मीट यू अगेन। I don't understand, I'm doing the best that I can right now, but it's never enough, I'm not here.